हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। भारत के मित्र देश इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंस अगले हफ्ते भारत के दौरे पर आ रहे हैं और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उनके दौरे में क्या क्या होगा और उससे भारत को आखिर क्या और कितना फायदा मिलेगा। सबसे पहला काम वो ये करेंगे कि एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन करेंगे जो मार्क करेगा इंडिया और इसराइल के 30 साल ऑफ बायोलैटरल डिप्लोमेटिक और डिफेंस टाइज को। इसराइली मिनिस्टर मार्च के महीने में ही भारत आने वाले थे, मगर उनके देश पर अनफॉर्चुनेटली एक के बाद एक आतंकवादी हमलों के चलते उन्हें ये मीट बार बार पोस्टपोन करनी पड़ी। भारत पहले अरबों डॉलर के हथियार खरीदता था इसराइल से, मगर अब एक नए डील साइन हो जाने के बाद भारत और इसराइल दोनों मिलकर हथियार बनाएंगे, जिससे भारत के हथियार इंडस्ट्री को होगा दुगना फायदा, हथियारों में भी और नॉलेज में भी। भारत ने पिछले साल ही एक बहुत ही अहम 10 साल की पार्टनरशिप DRDO और इजरायली DRND के बीच में साइन की थी, जिसके तहत स्पेस पार्टनरशिप, एग्रीकल्चर कोऑपरेशन, खुफिया जानकारी साझा करना और इसके अलावा बहुत से अहम चीज़ों पर साइन किया गया था। अभी जब इजरायली विदेश मंत्री आएंगे तो मेक इन इंडिया के तहत कई हथियारों पर साथ मिलकर काम करने पर भी बात हो सकती है और चर्चा की जा सकती है। तो हमें उम्मीद यही है कि कम से कम एक या दो नए प्रोजेक्ट्स इसराइल और भारत मिलकर साइन करें अंडर मेक इन इंडिया। इसराइल की एक नई कंपनी भारत में भी आ रही है जो हवा से पानी बनाने की टेक्निक को लॉन्च करेगी। इस कंपनी ने भारत के एक प्राइवेट कंपनी के साथ पार्टनरशिप ऑलरेडी कर ली है और इनका बिजनेस मॉडल इस चीज़ पर चलता है कि हवा में पाई जाने वाली नेचुरली जो नमी होती है उस नमी को सोख कर और उसे बहुत जल्दी ठंडा कर उससे पानी बनाया जा सके। तो ये कंपनी एसेंशियली उन राज्यों जो बहुत ज़्यादा सूखे रहते हैं या फिर जिन राज्यों में ज़्यादा नदियाँ नहीं हैं या फिर जहाँ पे कुएँ सूख रहे हैं उन राज्यों में ये बहुत ही अहम होगी। और एक साल में भारत के अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को भी प्लेस करने की बात की गई है। तो इन टोटल इजरायली डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट के आने के बाद इंडिया और इसराइल के बीच में मेक इन इंडिया के तहत एक या दो डील साइन हो सकते हैं और एक नई इजरायली कंपनी भारत में आकर निवेश करेगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएँ। थैंक यू।